सभी साथियों को हमारा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस बार पुस्तक वितरण का सभी तरह का कार्य ऑनलाइन तरीके से संपन्न किया जा रहा है। तकनीकी समस्याएं हैं, कई बार समस्याएं बहुत आती हैं और उनसे हम जूझते हैं, फेस भी करते हैं और हर समस्या का समाधान भी होता है। लोकेशन समस्या से बहुत परेशान हुए, स्कूल की लोकेशन कई मीटर दूर, कई किलोमीटर दूर दिख रही थी। कई बार तो ऐसी स्थिति में लोकेशन थी कि हम वहां पर जाकर ऐप को यूज नहीं कर सकते थे, लेकिन अब उसका भी समाधान आ गया है। हम एम शिक्षा मित्र ऐप के माध्यम से अपनी लोकेशन, सही लोकेशन को क्लेम कर सकते हैं और उस लोकेशन को स्कूल के साथ मैप भी कर सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं। कैसे स्कूल के छात्रों को हम पुस्तक का वितरण करेंगे और वो भी बिना किसी त्रुटि के, बिना किसी गलती के, ताकि हमारी एंट्री ऐप पे हो जाए और हमारा वितरण दिखने लगे। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। अभी तक हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने अपने स्कूल की लोकेशन पर पुस्तकों को रिसीव कर लिया होगा। अगर अभी भी आपके ऐप पर शाला में पुस्तकों की रिसीविंग पर इस तरह की स्क्रीन आ रही है तो आपको लोकेशन सही कराने की जरूरत है। अगर लोकेशन गलत होगी तो आप ये काम, इस ऐप का उपयोग बुक्स रिसीविंग में नहीं कर पाएंगे। और अगर आप लोकेशन सही करने का प्रोसेस नहीं जानते हैं, आपको ऊपर तरफ एक वीडियो दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को सही कर लीजिए। तो चलिए मोबाइल में हम देखते हैं कि हम किस ऐप से ये काम करेंगे। हम सभी जानते हैं कि इसके लिए एक नया ऐप तैयार हुआ है जिसका नाम दिया है टेक्स्ट बुक वितरण ट्रैकिंग ऐप। चलिए एंटर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट बुक वितरण ट्रैकिंग ऐप 1.14 और इसमें शाला प्रभारी लिखा हुआ है। चलिए क्लिक करते हैं शाला प्रभारी से। लेकिन उससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस ऐप को हमने लॉगिन कर लिया है। अगर आपका ऐप लॉगिन नहीं होगा तो आपको ये वाली स्क्रीन अपीयर नहीं होगी और आपको अपना यूजर नेम पासवर्ड उसमें डालना होगा। यूजर नेम पासवर्ड आपको याद होना चाहिए। यूजर नेम आपका यूनिक आईडी होता है और उसका पासवर्ड आपको याद होना चाहिए। अगर आपको यूजर नेम पासवर्ड याद नहीं है या उसको ओपन नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसको एक बार रीसेट कर लीजिए। और अगर आप रीसेट करने में भी परेशान हो रहे हैं तो उसके लिए भी एक वीडियो हमने रेडी किया था, पासवर्ड कैसे बदलें, उसको भी आप देख सकते हैं। ये ऊपर तरफ आपको जो लिंक दिख रही है, आप इसको क्लिक करके अपना पासवर्ड भी रीसेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लिक करते हैं शाला प्रभारी पर। क्लिक करने के बाद इस तरह से आपको 6 आइकॉन दिखेंगे। मेरी प्रोफाइल, मास्टर डेटा डाउनलोड, टेक्स्ट बुक की सूची, कंसाइनी ऑफिस में उपलब्ध पुस्तकों की सूची, टेक्स्ट बुक प्राप्ति प्रबंधन और छात्रों को वितरण प्रबंधन। 5 ऑप्शन पर हमने पहले आपको बहुत विस्तार से बताया है। आज हम बात करते हैं छात्रों को वितरण प्रबंधन पर। क्लिक कर लेते हैं इस ऑप्शन पर। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे 3 तरह के आइकॉन आपको मोबाइल स्क्रीन पर आ गए होंगे। पहला, शाला में पुस्तकों के स्टॉक की स्थिति देखें। दूसरा, छात्रों की सूची जिन्हें पुस्तक वितरित की जा चुकी है उसकी इन्फॉर्मेशन आएगी। और तीसरी, छात्रों को पुस्तक वितरित करें। ये 3 आइकॉन है जिस पर हमें कार्य करना है। चलिए हम एक एक करके आपको बताते हैं कि इन सारे ऑप्शन में है क्या। पहला ऑप्शन हम क्लिक करते हैं, शाला में पुस्तकों के स्टॉक की स्थिति देखें। क्लिक कर दिया और आप इस तरह देखेंगे, ऊपर स्कूल का नाम आ गया और नीचे उसके शाला में उपलब्ध पुस्तकों का एक बटन बना है, हम उसको क्लिक कर लेंगे। तो क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से कक्षावार, विषयवार आपको दिख जाएगा कि किस किस विषय की कितनी कितनी पुस्तकें शाला में उपलब्ध हैं। आप देखेंगे यहाँ पर संख्या दिख रही है और आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको पूरी क्लास के पूरे विषय पूरे यहाँ से यहाँ तक दिख जाएंगे। और ये पूरे विषय आपने देख लिए। चलते हैं दूसरे ऑप्शन में, छात्रों की सूची जिन्हें पुस्तक वितरित की जा चुकी है। उपलब्ध पुस्तकों वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब आप देखेंगे इस स्कूल में अभी पुस्तकें वितरित नहीं हुई हैं। चलिए इस स्क्रीन से भी हम बैक हो जाते हैं और जो वास्तविक कार्य हमें करना है वो हमें करना है छात्रों को पुस्तक वितरित करने वाले ऑप्शन से। क्लिक कर लेते हैं, स्कूल का नाम यहाँ पे आ जाएगा, शाला में उपलब्ध पुस्तकें इस वाले बटन पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको जिसे आप पहले ऑप्शन पर देख रहे थे उसी तरह की पूरी लिस्ट आपको यहाँ खुली हुई दिख जाएगी। अब हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर करना क्या है। आप पहली बुक देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट भाषा भारती 1।
कक्षा एक की भाषा भारती, इसको हमें छात्रों को वितरित करना है। क्लिक करेंगे और जैसे ही हमने क्लिक किया तो कक्षा एक के सारे बच्चों के नाम यहाँ पर हमें दिख जाएंगे। हम इस तरह से स्क्रॉल करेंगे और जितने भी बच्चे हमारे क्लास में दर्ज हैं उनके नाम हम इस तरह से देख लेंगे। और सबसे ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन डेट, यानी किस दिन आपने इस बुक को वितरित किया या किस दिन आप वितरित कर रहे हैं। इसको हम क्लिक करते हैं और मान लीजिए हम आज ही वितरित करते हैं 26 तारीख को। ऊपर आप देखेंगे 26/8 आ गई और यहाँ पर पूरे बच्चों की सूची आ गई। तो चलिए हम देखते हैं भाषा भारती कक्षा एक की पुस्तक हम वितरित करेंगे तो इसमें किस तरह की स्क्रीन अपीयर होगी। क्लिक कर लेते हैं और जैसे ही हमने यहाँ पर क्लिक किया तो सारे बच्चों की यहाँ पर लिस्ट आ गई, इस स्कूल में इस क्लास में कितने बच्चे हैं जिनको हमें पुस्तक का वितरण करना है। आप देखेंगे स्क्रीन हम स्क्रॉल करते हैं धीरे धीरे और उसमें पूरे बच्चों के नाम समग्र आईडी के साथ दिख जाएंगे। आप उनको देख लीजिए, और अधिक स्पष्ट करने के लिए उनके साथ सनॉप दिया है, यानी पिता का नाम या अभिभावक का नाम भी आ रहा है, उससे भी हम देख सकते हैं। इस तरह से आपको ये स्क्रीन अपीयर हो जाएगी। अब मान लीजिए आज हम पुस्तक वितरण स्कूल में कर रहे हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर भरेंगे डिस्ट्रीब्यूशन डेट, इसमें सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद ओके कर देंगे। इसके बाद आपको सिर्फ बताने के लिए हम इस एग्जाम्पल को दे रहे हैं। मान लीजिए रिया विश्वकर्मा पहली बच्ची है, हमने उस पर टिक लगा दिया और प्राप्ति दर्ज कर देंगे तो आप देखेंगे अगली बार क्या होगा। चलिए हमने इसको टिक कर दिया और प्राप्ति दर्ज करने वाले बटन पर हमने इसको क्लिक कर दिया। अब दोबारा अगर हम इसको फिर से क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे उस बच्ची का नाम यहाँ से चला गया। इसका मतलब यह हुआ कि आप जितने भी बच्चों को बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे उन बच्चों के नाम इस लिस्ट से कम होते जाएंगे और आपको बहुत क्लैरिटी रहेगी कि हमने किन बच्चों को बुक्स बांट दी, किन बच्चों की बुक्स हमारे पास अभी स्टॉक में है। अब एक और एग्जाम्पल आपको हम देते हैं, इसको बैक कर लेते हैं। कक्षा दो के लिए तीन बुक्स यहाँ पर दिख रही हैं, भाषा भारती, गणित का जादू और इंग्लिश रीडर। इनको सभी बुक्स को हमें अलग अलग क्लिक करके बुक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ऐसा नहीं कि कक्षा दो की तीनों बुक हम एक साथ डिस्ट्रीब्यूट ऐप पे दिखा देंगे। यहाँ पर ये सुविधा दी हुई है कि आप जिस भी बुक को बांटेंगे उसको ओपन करें, उसके सामने बच्चे को क्लिक करें और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो देखिए जैसे मान लीजिए भाषा भारती दो पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर कक्षा दो के सारे बच्चों के नाम आ गए। आप देख सकते हैं सारे कक्षा दो के नाम यहाँ पर दिख रहे हैं। आप इसको स्क्रॉल कर लीजिए, देख लीजिए सारे बच्चे के आपके नाम दिख रहे होंगे। अगर कोई बच्चा आपको यहाँ पर शो अप नहीं हो रहा है तो इसका मतलब उस बच्चे की समग्र मैपिंग आपके स्कूल में नहीं है। अगर इस बच्चे को आपको जुड़वाना चाहते हैं तो पहले उसकी समग्र मैपिंग करिए और फिर उसके बाद उसका डेटा, मास्टर डेटा आप डाउनलोड कर लीजिए तो यहाँ पर उस बच्चे का नाम आ जाएगा। तो इस तरह से आप इस कक्षा की बुक्स में डिस्ट्रीब्यूशन डेट डाल दीजिए और जितने बच्चों को आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उस पर आप टिक कर दीजिए और लास्ट में प्राप्ति दर्ज करें बटन इसको दबा दीजिए। इसी तरह से आप गणित का जादू बांट दीजिए, इसी तरह से इंग्लिश रीडर बांट दीजिए और इस तरह से आप सारी बुक्स को बांटते जाएंगे, उसकी ऐप में एंट्री करते जाएंगे। यहाँ पे आपने खास चीज़ देखी होगी, सिर्फ हमें यहाँ पे क्लिक करना है और ओके करना है। यहाँ पर किसी भी तरह की आपको डेटा एंट्री नहीं करना। इतना आसान ऐप बना है कि आप पुस्तक वितरण साथ साथ में, बच्चों के वितरण के साथ साथ में मोबाइल ऐप पर भी करते जाएंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये प्रक्रिया समझ आ गई होगी। बहुत ही आसान ऐप है, बहुत ही सरल ऐप है और इस ऐप से जैसे आप कक्षा में बच्चों को पुस्तक वितरण करते जाएं, साथ साथ में इस पर टिक भी करते जाएं। ऐसा करने से आपको कोई भी अलग से रिकॉर्ड मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐप आपको खुद बता देगा कि कितने बच्चों की आपने एंट्री कर दी, कितने बच्चे आपको बुक्स ले चुके हैं और कितने बच्चे बुक्स के लिए शेष हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आप इसको दूसरों के साथ शेयर कीजिए, अपने शिक्षक साथियों तक पहुँचाइए ताकि वो भी अपना काम आसानी से, सरलता से कर पाएं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।